आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, डाउटनेट में आपका स्वागत है। सो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कॉलम ए एंड कॉलम बी, दो कॉलम है एंड ये जो ऑप्शन दिए गए ए बी एंड सी, इनको रिलेट करना है कॉलम सी बी से। ओके, सो कॉलम ए को किससे रिलेट करना है, कॉलम बी से। चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी एंड सी, सो इसको कॉलम बी में जो चार ऑप्शन दिए गए इनसे रिलेट करना है। ओके, एंड अपने को बताना है कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है एंड ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ओके, सो पहले अपन बात करते हैं कि जो कॉलम ए है उसके अंदर क्या दे रखा है। ऑप्शन ए के अंदर रेस्ट एंड मोशन, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के रिलेट करते हैं। ओके, सो बेसिकली रेस्ट है एंड मोशन है, यह क्या है, एक प्रकार से स्पीड है। ठीक है, कोई गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, चल रही है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। ठीक है, या तो ये गाड़ी रेस्ट के अंदर है या फिर ये मोशन करेगी, यानी कि एक दूसरे क्या है, स्पीड से रिलेटेड है, यानी कि ये दोनों क्या है, रिलेटिव है एक दूसरे से। यानी कि जो ऑप्शन ए है कॉलम ए के अंदर वो रिलेट करेगा कॉलम बी के अंदर ऑप्शन बी से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड अपना क्या है, करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ए है वो बी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ओसिलेटरी एंड पीरियोडिक। सो बेसिकली ओसिलेटरी यानी कि ओसिलेशन एंड पीरियोडिक ये किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, मोशन ऑफ द बो ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी कि जो अपना पेंडुलम होता है। ओके, जो अपना पेंडुलम होता है बेसिकली वो क्या करता है, ओसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन करता है। ओके, यानी कि जो पेंडुलम है उसको अगर अपन मान लीजिए, इस पेंडुलम को अपन इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लो यहां से इसको छोड़ा, तो ये क्या है, ओसिलेटरी एंड पीरियोडिक क्या है, मोशन करेगा। ओके, यानी पहले इधर से इधर आया, फिर वापस जब इसकी पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ हुई, फिर वापस ये क्या है, इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन करता है, यानी कि जो कॉलम ए के अंदर ऑप्शन बी है वो किससे मैच करेगा, कॉलम बी के अंदर ऑप्शन सी से। ठीक है, यानी कॉलम ए के अंदर ऑप्शन बी वो मैच करेगा कॉलम बी के ऑप्शन सी से। ठीक है, एंड जो थर्ड है वह ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। सो जो एक बाइसिकल का पहिया होता है वो क्या है, रोटेशन भी करता है एंड ट्रांसलेशन भी करता है। यानी कि आप मान लो कोई भी क्या है, एक बाइक है, ठीक है, सो उसका ये पहिया है, यानी कि जब ये बाइक रोटेशन करती है यानी मूव करती है आगे की तरफ, तो ये कौन सी, इसका कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ओके, इसका एंड जब ये इसके साथ साथ में रोटेशन भी तो करेगा, पहिया क्या है साथ साथ में रोटेशन भी करता है, सो ये जो इसका मोशन हो गया वो हो गया रोटेटरी। ओके, सो जो कॉलम ए के अंदर ऑप्शन सी है वो रिलेट करेगा कॉलम बी के ऑप्शन डी से। ओके, एंड अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वेरिएबल वेलोसिटी, सो ऑप्शन अपने पास रिमेनिंग रह गया ए, यानी ए कार टेकिंग ए टर्न, यानी कि जब कोई व्हीकल यानी कोई कार है वो जो अपनी रोड होती है उसके अंदर जब टर्न लेती है, सो उस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी होती है उसके अंदर क्या है, वेरिएशन आ जाता है, यानी उसका वेरिएबल हो जाता है, सॉरी वो यानी वेरिएबल वेलोसिटी होती है उस टाइम पर। ठीक है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अपन टर्न नहीं कर सकते, अगर टर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो सकता है। ठीक है, सो उस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेरिएबल वेलोसिटी, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो रिलेट करेगा कॉलम बी के ऑप्शन ए से, यानी कि जो अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बिकॉज जो कॉलम ए है उसका ऑप्शन ए रिलेट कर रहा है ऑप्शन बी से कॉलम बी के। ठीक है,
बी सी से, सी डी से एंड डी है वो रिलेट कर रहा है ऑप्शन ए से, ठीक है। सो जो अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।